जगत प्रकाश नड्डा के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर सोलन में भी खुशी की लहर देखने को मिली, जिसके चलते सोलन युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश शर्मा के नेतृत्व में माल रोड पर लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। भाजयुमो ने जगत प्रकाश नड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें इस मौके पर शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मुकेश शर्मा ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री बेहतरीन कार्य किए हैं और वे इस जिम्मेदारी को बखूबी भी निभाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा की भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर सोलन शहर में खुशी की लहर दिखाई दी, जिसके चलते सोलन युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश शर्मा के नेतृत्व में माल रोड पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगत प्रकाश नड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें इस मौके पर शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मुकेश शर्मा ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री बेहतरीन कार्य किया है, वे इस जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाएंगे। इस मौके पर खुशी जताते हुए भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की कमान छोटे से प्रदेश के नेता जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी है, जो सभी हिमाचल वासियों के लिए फक्र की बात है। उन्होंने कहा कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर सभी हिमाचल वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता में नई रक्त का संचार हुआ है। मुकेश शर्मा ने जगत प्रकाश नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर देश के प्रधानमंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का धन्यवाद किया। मुकेश शर्मा ने कहा कि जो बीड़ा जगत प्रकाश नड्डा ने उठाया है उसमें वे सफलता हासिल करें और उनका वर्चस्व यूं ही कायम रहे। आज हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देश भर में छोटे से राज्य से पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी कमान हिमाचल को मिलने जा रही है। उसी खुशी में आज युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा माल रोड पर लड्डू वितरण करे गए, मिठाई खिलाई गई और पटाखे फोड़े गए। और मेरा मानना है कि जगत प्रकाश नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ काम करेगी और हिमाचल में भी एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ताओं को बल मिला है और आने वाले समय में इनके नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर जो अमित शाह जी के उसमें चली थी उसको और बढ़ाएंगे और देश भर में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और बढ़ेगा। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।